नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विद होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट बीमारी के बारे में। ये कई लोगों के बॉडी में होता है बट लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो इस चीज़ से ग्रसित है। मैं बात कर रही हूँ वेरिकोज वेन के बारे में, जिसको हम स्पाइडर वेन भी बोलते हैं। ये क्या है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। होम्योपैथी में इसके क्या उपचार हैं, हाउ होम्योपैथी कैन हेल्प यू विद वेरिकोज वेन, ये भी मैं आखिरी में डिस्कस करूँगी। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक के बारे में बात करें, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कम से कम आप 5 लोगों को शेयर करें ये वीडियो, जिससे उनको अपने बॉडी के बारे में मालूम हो, वो अपने हेल्थ से रिलेटेड एजुकेट हो सके, और हो सकता है आपका फॉरवर्ड किया हुआ वीडियो कहीं कभी किसी के काम आए और आप अनजाने में ही सही बट किसी को हेल्प कर सके उनसे हेल्थ, उनके हेल्थ रिलेटेड। सो वेरिकोज वेन बेसिकली अगर इंडिया में हम देखें तो 10 मिलियन पीपल इन इंडिया इन अ ईयर एज बीन डायग्नोसिस विद वेरिकोज वेन। कुछ लोगों को मालूम होता है, कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है इस बीमारी के बारे में। इफ़ यू टॉक अबाउट परसेंटेज तो 25% ऑफ अडल्ट आर हैविंग वेरिकोज वेन प्रॉब्लम। कुछ इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते हैं। अगर हम वेरिकोज वेन के बारे में बात करें कि ये क्या है, जब कोई भी वेन, एनी वेन इन अ बॉडी गेट्स एनलार्ज्ड, अगर वो बड़ी हो जा रही है, अपने साइज से डायलेट हो जा रही है, ओवर फिल्ड विद ब्लड है एंड लुक स्वॉलन इन ब्लू कलर, डार्क रेड कलर, पर्पल कलर, देन दिस इज कॉल्ड वेरिकोज वेन। बेसिकली इट इज सीन इन लोअर बॉडी पार्ट्स, लेग्स पे देखा जाता है, टखनों पे देखा जाता है, थाइस पे देखा जाता है, कई बार एब्डोमेन में भी देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हार्ट से जितनी दूर बॉडी पार्ट है वहाँ पे वेरिकोस वेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या कॉज हो सकता है, अगर हम बात करें आपका वेन जो है इन एनी केस या किसी भी कारण से अगर वेन में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है या वो अपने नॉर्मल काम को नहीं कर पा रही है, उसका जो रेट है वो कम होता जा रहा है ब्लड सप्लाई करने का, तो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होने लगता है, चाहे वो किसी बीमारी के कारण हो या जो वेन्स पे वॉल्व होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या ख़राब हो गए, तो वहाँ पे छोटी छोटे वेन्स जो होती हैं वहाँ पे ब्लड इकट्ठे होने लगते हैं। ब्लड वहाँ जब इकट्ठा होता है तो वेन स्वलन दिखती है, रेड पर्पल ब्लू दिखने लगती है, और धीरे धीरे जब ये लंबे समय तक आपके बॉडी में रहता है ये पेन करता है, कई बार इसमें अल्सर भी हो जाते हैं, और ये कई बार किसी खतरनाक बीमारी का भी इंडिकेशन हो सकता है। सो डोंट टेक वेरिकोज वेन लाइटली। इफ़ यू सी वेरिकोज वेन इन योर बॉडी, जस्ट गो टू अ डॉक्टर, लेट हिम डू द डायग्नोस। जो भी डॉक्टर के पास जाइए, ज़रूर दिखाइए कि वेरिकोज वेन है या नहीं है कंफर्मेशन के लिए। अगर हम कॉज के बारे में बात करें तो ओबीज, मोटापा एक कारण हो सकता है, या बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, आपके जॉब जो है वो खड़े रहने की है कंटिन्यूसली, तो ब्लड जो है आपके पैरों को हार्ट के तरफ करना पड़ता है, एक तो अपोजिट टू द ग्रेविटी है और मेहनत अलग से करनी पड़ रही है, आप बहुत लंबे समय तक खड़े हैं, आप बॉडी को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो वेरिकोज वेन होने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ मेडिकेशन भी होते हैं कई बार रीजंस, कभी किसी बीमारी के एसोसिएटेड सिम्टम भी हो सकते हैं वेरिकोज वेन। उसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं, फैमिली हिस्ट्री है, तो भी वेरिकोज वेन जो है वो काफ़ी कॉमनली देखा गया है, फीमेल्स में कॉमन है। कई बार हार्मोन डिसबैलेंस होता है, ओवरवेट होता है, लॉन्ग लास्टिंग खड़े होके काम कर रहे होते हैं, सेडेंट्री लाइफ है, नो एक्सरसाइज है, फिटनेस लेवल एकदम अगर ज़ीरो है, तो भी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी ख़त्म हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे ये आपको वेरिकोज वेन में देखा जाएगा। एज में देखें तो ये यूजुअली 35-40 के बाद देखा जाता है, 50 के बाद, 50 ईयर्स ऑफ एज के बाद ये कॉमन होता है। अगर हम बात करें कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें वेरिकोज वेन है या नहीं है, तो अगर आप मोटे हैं या बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो है, पैरों को बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं मिलता है, तो आप ये चीज़ों को अपने बॉडी में ज़रूर देखें। पहली चीज़ आपको ना हमेशा पैरों में या वो स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पे वेरिकोज वेन हो सकते हैं वहाँ पे क्रैम्प्स रहेंगे, डिस्कम्फर्ट रहेगा या पेन रहने लगेगा। अगर आप अच्छे से एग्जामिन करते हैं या देखते हैं तो आपको नस उभरी हुई दिखेंगी या छूने में कुछ उभरापन दिखेगा, यू विल सी समथिंग हैज़
swollen, like veins are very visible and prominent, और आपको pain भी हो रहा है, तो ये लक्षण हो सकते हैं आपके varicose vein के लिए। आपको अगर इस पर अभी भी ध्यान नहीं दिया, ये इतने ज़्यादा swell हो जाएंगे veins की, कई बार ये ulcer में convert हो सकते हैं और ये आपके heart को भी दिक्कत दे सकता है। तो इसको आप हल्के पे ना लें, आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं ये साइन सिम्टम्स। अगर इसमें से आपको कुछ भी मिलता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। जब आप डॉक्टर पास जाएंगे तो डॉक्टर कैसे कन्फर्मेशन करेगा, एक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे वो, उसके बाद फिर वो अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि ब्लड फ्लो प्रॉपर है या नहीं है, आपके हार्ट की तरफ जाने वाली सारे वेन्स ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। उसके बाद एक्सरे से भी किया जा सकता है, कुछ स्पेसिफिक डाइज होते हैं जिनको इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद एक्सरे लेके देखते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा है। अब हम क्या ऐसा चीज़ करें कि हमको वेरिकोज वे ना हो, तो आपको लाइफस्टाइल अच्छा रखना होगा। अगर आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो आप कोशिश करिए थोड़ा ब्रेक करें, बीच में बैठें। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अपना वेट कम कीजिए। वेट जो है, अगर आप ओवरवेट हैं, ओवीज हैं, मोटापा से ग्रसित हैं, तो आपको 90% प्रॉब्लम खाली मोटापे से है। तो अगर आप आपका वेट कम करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो आप आधी से ज़्यादा बीमारियां वहीं ख़त्म कर दे रहे हैं। सो जस्ट फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल। उसके अलावा आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, बी एक्टिव, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, बहुत लंबे समय तक खड़े मत होइए। अगर आपको वेरिकोज वेन है तो आप बीच बीच में पैरों को थोड़ा सा रेस्ट दें, ऊपर उठा के रखें, और रात में जब सो रहे हैं तो पैरों के नीचे कुशन रख के सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको वेरिकोज वेन है तो आप कंप्रेशन सॉक्स पहन सकते हैं, ये हेल्प करता है वेन्स को ब्लड फ्लो करने के लिए, और पेन सेंसेशन जो होता है, जो डिसकंफर्ट है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर अब हम बात करें सर्जरी के बारे में, कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स हैं जो आपको बोलेंगे कि सर्जरी कीजिए, तो आई डोंट से सजेस्ट कि सर्जरी करना है। उसके पहले ही अगर आपको शुरुआत में ही वेरिकोज वेन दिखता है तो आप होम्योपैथी दवा लेते हैं तो वहीं ठीक हो सकता है। जो आपका मेंटेनिंग कॉज है, हम उसको भी अगर हटाते हैं तो वेरिकोज वेन ठीक होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्वॉलन वेरिकोज वेन से या डिजीज के कारण वेरिकोज वेन दिख रही है, तो खाली आप होम्योपैथी मेडिसिन लेके इसका जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो ठीक कर सकते हैं, और सर्जरी से आप बच सकते हैं, पेन किलर से भी कई बार आप बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो हैं वो एकदम सेफ हैं, दे आर नेचुरल, दे आर सेफ एंड दे हैव नो साइड इफेक्ट इन एनी एज एंड इन एनी जेंडर, तो आप इसको लंबे समय तक ले सकते हैं। जैसे कि वेरिकोज वेन है वो बहुत सालों में बना है, तो अगर आप सोचते हैं कि हमने कुछ दिन दवा ली और मेरी वेरिकोज वेन ठीक हो जाएगी, तो ये गलत धारणा है। चाहे वो होम्योपैथी हो या कोई और पैथी का आप दवा ले रहे हैं, आपको वेरिकोज वेन के लिए कुछ लंबे समय तक दवा लेना पड़ेगा। सो इन दैट केस पहली प्रेफरेंस आपकी होम्योपैथी होने चाहिए, एज देयर इज नो साइड इफेक्ट एंड इट्स नेचुरल, सो यू कैन टेक इट फॉर लॉन्गर टाइम। करेगा क्या ये, आपको हेल्प करेगा, जो आपका ब्लड वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, जो एनगॉर्जमेंट ऑफ द वेन्स है, उसको धीरे धीरे वो ठीक करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाने में हेल्प करेगी होम्योपैथी, तो आप होम्योपैथी लें। अब मैं मेडिसिंस के बारे में अगर बात करती हूँ, तो मेरी फर्स्ट चॉइस, मैक्सिमम डॉक्टर की ये फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, हेमामेलिस वी मदर टिंचर पे लेना है आपको। आपको करना क्या है, अगर आपके पैर में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है या आपको पूरे टाइम क्रैम्प लगते हैं, बहुत थका हुआ लगता है, तो एक तो आप थोड़े से एक्सरसाइज चालू कर दें, दूसरा थोड़े पैरों को रेस्ट दें, वेट कम करें, और साथ में ये मेडिसिन लें। मेडिसिन कैसे लेना है, अगर आप हैं तो 15 ड्रॉप्स दिन में दो बार, सुबह शाम कम से कम आधे कप पानी में, आप इसको 3 से 6 महीने ले, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द वेरिकोज वेन। आपको इसको लेना है कि कितने दिन ले सकते हैं, मिनिमम 3 to 6 मंथ आप कंटिन्यू करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, टेक इट रिलीजियसली। इसके साथ अगर आपको छूने में बल्ज लग रहा है तो आपको कैल्केरिया फ्लोर 6x टेबलेट में लेना है। आपको करना क्या है, इसके 5 गोली दिन में 3 बार आधे कप पानी में, गर्म पानी में डिसॉल्व करना है, और इसको लेना है कम से कम 3 से 6 महीने। अगर आप ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में लेते हैं 3 से 6 महीने भी, तो आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखेंगे। अगर आप ये दोनों मेडिसिन साथ में लेते हैं 3 से 6 महीने, तो आपके जो पैरों में कंप्लेंट्स थे, विजिबल जो दिख रहे थे आपको वेरिकोज वेन, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। फिर आप डॉक्टर की सलाह से या मुझे भी कंसल्ट करके आगे मेडिकेशन कैसे लेना है, क्या दवा लेना है, वो भी कर सकते हैं।
इसके साथ आपको रिकवेज का 42 नंबर साथ में ऐड करना है। ये तीन दवा, अगर बहुत सीरियस है तो आप R42 भी ऐड कर सकते हैं रिकवेज का। इसके डोजेज रहेंगे 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, 2 चम्मच नॉर्मल पानी में। ये भी आप 3 to 6 मंथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तीनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। साथ में आपको लाइफस्टाइल थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, थोड़े से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, एक्टिव होना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। आई होप आज का जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिनिमम 5 लोगों को आप ज़रूर शेयर करें, बिकॉज अगर आपने शेयर किया और किसी को नहीं मालूम था अपने बॉडी के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, तो आप कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं मुझे ये एजुकेट करने के लिए लोगों को। सो प्लीज़ डू दैट। आपको अगले वीडियो में फिर मैं किसी नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर।